ट्रेन में अचानक से खेलते हुए दो बच्चे गिर पड़े, जिसके बाद हो हल्ला मच गया। दरअसल करोड़ों रुपए की लागत से यहां श्याम कॉलोनी में जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से ड्रेन का निर्माण करवाया जा रहा है। निर्माण कार्य के दौरान किसी भी तरह की चौकसी न बरतने के कारण यहां पर खेलते हुए दो बच्चे पहुंच गए और फिर वो ड्रेन में जा गिरे, जिन्हें इलाके के लोगों और मजदूरों ने मिलकर करीब आधे घंटे में बाहर निकाला। लिहाजा जन स्वास्थ्य विभाग की इस लापरवाही से गुस्साए लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि पिछले करीब दो महीने से यहां पर ड्रेन के लिए खुदाई की गई है और निर्माण कार्य अधर में लटकाकर ठेकेदार फरार है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द निर्माण कार्य पूरा करवाने और लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पानी निकाल रहे, पैप फूटा हुआ है, उस पानी को रास्ते में कर रहे, कीचड़ हो रही है, इस कारण वो ढाई टूटी और जब बच्चे गिरे तो बच्चे पानी को कर रहे थे, ढाई टूट गई, मिट्टी टूट गई नीचे, तो उसमें दब गए। रात को मैंने उनको बोला था, रात को 12 बजे उन्होंने खड्डा खोद दिया और 4 बजे उन्होंने रास्ता बंद कर दिया ठेकेदार ने। मैंने कहा यहाँ गैस एजेंसी भी है, स्कूल ने दो, तो रात को 12 बजे करके फिर हम उसके बाद आए ना जी, ठेकेदार सुनने को बिल्कुल तैयार है। वो बोला कितने गहरे गड्ढे थे? कम से कम 10 फुट, 10 फुट, और प्रॉपर 4, बिल्कुल 4 रोड बंद कर दीजिए, बल्कि आज भी नहीं निकल सकता था। नाले का काम चल रहा है, बरसात का मौसम है, बच्चे मिट्टी ऊपर पड़ी थी उसके, उसे खेलने के नीचे उसके पैर निकल गए, बच्चे नाले में गिर पड़े, लोगों ने तोड़ जाम कर लिया, परंतु सच्चाई तो ये